जीवन की कल्पना अधूरी है, वही सिद्ध करता नहीं बरतना, शॉकिंग न्यूज को बुलावा देना है। एनटीपीसी लिमिटेड भारत में विद्युत उत्पादन की एक ऐसी महारत्न कंपनी है जो देश के एक चौथाई भाग को अपने प्रकाश से आलोकित कर रही है। विद्युत के बहते प्रवाह की तेज में जीवन और मरण दोनों शामिल है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए सबसे पहले जरूरी है सतर्क रहना। जिस तरह विद्युत उत्पादन से हो रहे फायदे एक वैज्ञानिक पद्धति है, उसी तरह इससे होने वाला नुकसान एक वैज्ञानिक कारण है। मानव शरीर से प्रवाहित विद्युत शरीर को झटकी देता है। विद्युत का प्रवाह मानव शरीर में स्थित प्रतिरोध के विपरीत काम करता है। यदि मानव शरीर एसी सप्लाई से सीधे संपर्क में आता है तो ये ज्यादा नुकसानदेह होता है। ऐसी स्थिति में मानव शरीर का नर्वस सिस्टम, टिश्यू और मांसपेशियां क्षीण हो जाते हैं और साथ ही हृदय का संतुलन बिगड़ जाता है। इलेक्ट्रिक शॉक किसी को भी गंभीर रूप से घायल कर सकता है। हाई वोल्टेज एरिया के संपर्क में आने से मानव शरीर जल सकता है। बिजली का खेल खतरनाक है। इसके साथ काम करने के लिए क्या करना और क्या नहीं करना है, ये महत्वपूर्ण है। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में रिपेयरिंग एक चुनौती है, इसीलिए हमेशा क्वालिफाइड व्यक्तियों को ही रिपेयरिंग का काम करने दें। व्यक्ति जिस प्लांट में काम करने जा रहा है उसे उस जगह और वहाँ के इलेक्ट्रिक उपकरणों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कार्य करने से पहले और वहाँ से संबंधित सभी तरह की विद्युत सप्लाई को रोक दें और एक वैध परमिट दें। परमिट में लिखे हुए सभी आइसोलेशन को सुनिश्चित करें और लॉकआउट टैगआउट का पालन करते हुए उपकरण की सप्लाई मॉड्यूल को लॉक करें एवं टैग करें। मरम्मत का कार्य पूरा होने पर परमिट को वापस करें और इससे पहले ये सुनिश्चित करें कि उपकरण पर कोई व्यक्ति अब कार्य न कर रहा हो एवं मरम्मत का काम करने वाले औजार को उपकरण से हटा दिया गया हो। ये भी सुनिश्चित करें कि कार्य करने वाले स्थान पर किसी तरह की अर्थिंग या उपकरण गर्म न हो रहा हो। किसी भी इलेक्ट्रिक लाइन को चालू करने से पहले पूरी तरह से जांच लें कि बिजली के तार कहीं से कटे पिटे न हो। सॉकेट की जांच कर लें कि कहीं से ढीला तो नहीं है। बिजली के उपकरण पर काम करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि वहाँ की बिजली काट दी गई हो। सिंगल फेज सप्लाई से चलने वाले उपकरणों को चलाने के लिए केवल थ्री कोर केबल का इस्तेमाल करें जिसका तीसरा तार अर्थिंग से जुड़ा हो। सभी अस्थायी विद्युत उपकरण विशेष तौर पर रखा गया है। सड़क पर और प्लांट एरिया में सुरक्षा संबंधित अपने कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि खुद की सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा हमारी पहली और नैतिक जिम्मेदारी है। एनटीपीसी की यही कामना है कि आप सुरक्षित रहें और अपने लक्ष्य की ओर सुरक्षित अग्रसर रहें।
पावर प्लांट में वेल्डिंग और गैस कटिंग का काम नियमित रूप से चलता रहता है। ये एक सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे प्रशिक्षित और कुशल वेंडर्स द्वारा किया जाता है, लेकिन इस काम में दुर्घटना का जोखिम भी है। यदि इस काम को पर्याप्त सावधानी और सुरक्षा उपायों के साथ न किया जाए तो दुर्घटनाएं हो सकती है। इससे जान माल को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए NTPC ने वेल्डिंग और गैस कटिंग के लिए सुरक्षा मानक तय किए हैं, जिनका पालन करके हमारे कामगार भाई स्वयं सुरक्षित रह सकते हैं और हार्नेस जरूर लगाएं और नीचे गिरने वाली छींटों या चिंगारियों से आंख की दुर्घटना को रोकने के लिए सुरक्षा के उपाय जरूर करें। वेल्डिंग की जगह के आसपास से सभी ज्वलनशील पदार्थ हटा दें या ठीक से ढक दें। वेल्डिंग, गैस कटिंग या ग्राइंडिंग का काम बंद कमरे में नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर जरूरी हो तो सुरक्षा के सारे उपाय अवश्य अपनाएं और सारा काम सुपरवाइजर की देखरेख में करें। आसपास काम कर रहे या पास से गुजरने वाले कामगारों को चिंगारियों या छींटों से सुरक्षित रखने की व्यवस्था करें। अगर तेल या किसी ज्वलनशील पदार्थ के ड्रम की वेल्डिंग करनी हो तो ध्यान रहे कि इसका ढक्कन खुला होना चाहिए। तेल या गैस की पाइपलाइन भी साफ और वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। गैस कटिंग में भी यही सावधानियां बरतनी चाहिए। गैस सिलेंडर को कभी भी लुढ़का कर न ले जाए, हमेशा ट्रॉली या किसी अन्य साधन से ले जाए। अब उपकरणों पर ध्यान दें। वेल्डिंग मशीन की भली प्रकार अर्थिंग करें और तेल या गैस की पाइपलाइन को कभी अर्थिंग चढ़ने के लिए हमेशा मजबूत सीढ़ी का इस्तेमाल करें और इसे नीचे समतल सतह पर टिकाते हुए सही एंगल से झुकाते हुए उसके बॉडी या प्लेटफॉर्म से इस तरह लगाएं कि ऊपरी सतह से काफी निकली रहे। सीढ़ी के डंडे समान दूरी पर और मजबूत होने चाहिए। अरे यार, पूरा लाइट क्यों बंद कर दिया? ओए अब कल परसों से पास बन जाएगा। राजू भाई आपका भी आ जाएगा वीडियो में, परसों आएगा पास। पास कल बन जाएगा। पानी थोड़ा सा हम भी पी लेंगे, बहुत प्यास लगा हुआ है। पूरा दुनिया हम लोग निकल गया।